नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्ताना। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? लोथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए हु महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खां। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में, हीनयान तथा महायान में बट गया? कनिक्स। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक। एक वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल या परिवार। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब। शहीदे आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? भगत सिंह। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वेम चंद्र बनर्जी। भगवान नटराज का प्रतीक मंदिर की जिसमें भरतनाट्यम की शिल्पकला कहाँ स्थित है? चिदंबरम। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? पाली। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया? इल्तुतमिश। एलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गोरी। कालासो की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी किस वर्मा। किस गुप्तकालीन शासक का विराज कहा गया? समुद्रगुप्त। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी। भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य। किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? जौनपुर। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन। मोहम्मद गोरी ने 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? कनिक्स। गुल्लुक नाम से कौन जाना जाता? सिकंदर लोदी। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया? प्लासी का युद्ध। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? चौथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर। सत्यमय जयते युक्ति कहाँ से ली गई? मुंडकोपनिषद। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? राहुलो वाद सूक्त से। जागीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। अभिनव भारत का संस्थापक बी डी सावरकर। किस शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई? आगरा। जूनागढ़ में प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? रुद्रमन। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण? गंधार कला। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? बुद्धकाल से।
उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? समुद्रगुप्त। भक्त तुकाराम से कौन मुगल सम्राट समकालीन थे? जहांगीर। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? लार्ड कर्जन। किस शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रालय के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य। तो यहाँ पर मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी उसके उत्तर के बारे में बताया। यदि आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक।